नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इसरो ने बहुत ही बड़े बड़े कारनामे करके दिखा दिए हैं और इसरो के चंद्रयान 2 को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है कि आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आप भारत का नाम इतना गौरव से ऊंचा कर दिया है चंद्रयान 2 ने कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, दुनिया भर में चंद्रयान 2 की प्रसिद्धि के बाद बहुत से प्रोजेक्ट्स इसरो पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और नासा और रशिया की स्पेस एजेंसी कॉस्मोस और स्पेसएक्स भी साथ मिलकर इसरो के साथ कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि इसरो हमेशा से ही कम बजट में बहुत ही बड़े बड़े कारनामे कर रहा है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इसरो के चंद्रयान 2 ने क्या क्या कारनामे किए हैं, क्या क्या अब तक मिला है चंद्रमा पर और किस प्रकार की जानकारियां चंद्रयान 2 बटोर पाया है। सभी प्रकार से हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में, तो तब तक के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब अवश्य ही रखिएगा और नोटिफिकेशन बेल को चालू कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 2 की। दोस्तों, 22 जुलाई को जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तो किसी को नहीं पता था कि चंद्रयान 2 इतने बड़े बड़े कारनामे करके दिखा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर बहुत सारी मृदाओं की खोज की है चंद्रयान 2 ने। अनेक प्रकार की मिट्टियाँ जो चंद्रमा की सतह पर होती हैं, वो सभी प्रकार की मिट्टियाँ और अनेक प्रकार की चट्टानें चंद्रयान 2 ने खोजी हैं और पृथ्वी की सतह के नीचे सिग्नल भेजकर यह भी पता लगा लिया है कि कहाँ पर चंद्रमा की सतह पर पानी है और किन जगहों पर बर्फ के क्रिस्टल्स मिले हैं। पानी का एक एक अंश चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 ने खोज दिया है और इसके साथ साथ चंद्रमा की सतह पर किस जगह पर पहाड़ी इलाके हैं, किस जगह पर पठारी इलाके हैं और जल वाले इलाके, समुद्री इलाके, सभी प्रकार के खोज दिए हैं चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 ने। दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर प्राचीन काल में क्या क्या जीव मौजूद थे, वो सभी प्रकार के जीव भी चंद्रयान 2 ने खोज निकाले हैं। दोस्तों, अनेक प्रकार के अवशेषों से पता चला है कि चंद्रमा की सतह पर अनेक प्रकार के डायनासोर, टीरेक्स जैसे डायनासोर भी मौजूद थे। दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर जब चंद्रयान 2 ने नीचे की ओर सिग्नल भेजा तो लगभग 1 किलोमीटर नीचे की धरती पर सिग्नल भेजकर अनेक प्रकार के अवशेषों का अंदाज़ा चंद्रयान 2 ने लगाया है और उन अवशेषों के माध्यम से पता चला है कि अनेक प्रकार के जीव चंद्रमा की सतह पर दफन हैं जो करोड़ों साल पहले मौजूद थे। जिस प्रकार से धरती का वातावरण हुआ करता था करोड़ों साल पहले, उसी प्रकार से चंद्रमा का भी एक अपना वातावरण था जिसमें अनेक प्रकार के जीव गतिविधियां करते थे। दोस्तों, अनेक प्रकार की मानव बस्तियां होने का भी उन अवशेषों से पता चला है कि करोड़ों साल पहले आदि मानव जैसी अनेक प्रकार की बस्तियां चंद्रमा की सतह पर मौजूद थी और वो अपना जीवन यापन करती थी। इसके साथ साथ मानव बस्तियों द्वारा किए गए अनेक प्रकार के कार्य, अनेक प्रकार के पिरामिड्स और अनेक प्रकार के उनके द्वारा यूज किए जाने वाले हथियार और अनेक प्रकार के उपकरणों का भी पता चला है जो प्राचीन काल में आदि मानव चंद्रमा की सतह पर इस्तेमाल किया करते थे। और दोस्तों, उन इंसानों का कॉन्टैक्ट धरती वाले इंसानों से भी बहुत ही तगड़ा होता था जो धरती पर जीवन यापन करते थे। दोस्तों, पिरामिड्स के रहस्य अभी तक दफन हैं लेकिन इनके विषय में कोई भी नहीं जानता है। चंद्रमा की सतह पर प्राचीन काल में भी अनेक प्रकार के पिरामिड्स मौजूद थे जो धरती के नीचे दफन हो गए हैं। दोस्तों, एलियंस के विषय में भी चंद्रयान 2 ने बहुत सी सुराग मिले हैं और अनेक प्रकार के रहस्यों से पर्दा चंद्रयान 2 ने उठाया है। दोस्तों, चंद्रयान 2 जब भी धरती की ओर सिग्नल भेजता है तो उसका सिग्नल रास्ते में ही कट हो जाता है और कई बार चंद्रयान 2 को आधा ही सिग्नल भेजने को मिलता है, लेकिन वह आधा सिग्नल कहाँ जाता है यह कोई भी नहीं जानता है। हमेशा से ही चंद्रयान 2 के साथ सिग्नल फेल करने की कोशिश की जाती है जो एलियंस का ही कारनामा हो सकता है। दोस्तों, हमेशा से ही चंद्रयान 2 के सिग्नल्स को एलियंस ने घेरे में रखा है और ताकि चंद्रयान 2 अपना संपूर्ण सिग्नल धरती पर न भेज पाए। दोस्तों, चंद्रयान 2 के रोवर द्वारा जो जानकारियां मिली हैं उनके माध्यम से बहुत सी जानकारी चंद्रयान 2 के पास अभी तक है जो इसरो तक नहीं भेज पाया है। दोस्तों, एलियंस एक माध्यम है जो अभी तक पूरा सिग्नल नहीं भेजने दे रहे हैं और कई बार एलियंस की फ़ोटो भी चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर खींचने को मिली हैं जो साफ साफ दर्शा देती हैं कि
चंद्रमा की सतह पर किस प्रकार एलियंस, किन जगहों पर एलियंस अपना ठिकाना बनाए हुए हैं और किस प्रकार से हिडन चंद्रमा पर रह रहे हैं। वो न तो सैटेलाइट में आते हैं और न ही किसी भी प्रकार के सिग्नल में अपनी भूमिका निभाते हैं, इसी कारण से वो पकड़ में भी नहीं आ पाते हैं। और दोस्तों, एलियंस की बात करें तो उनकी सभ्यता मानव से बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। वो धरती जैसे कई ग्रहों पर कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं ब्रह्मांड में, और कहीं पर भी जा सकते हैं। कई कई प्रकाश वर्ष की दूरी वो मिनटों में तय कर सकते हैं। धरती जैसे ग्रह पर भी एलियंस आ चुके हैं, जो रशिया और अमेरिका की स्पेस एजेंसी छिपा रही हैं। दोस्तों, एरिया 51 एक इसी भी प्रकार की जगह है जो एलियंस के कई राज दफन किए हुए है। दोस्तों, अभी बात करते हैं चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 के माध्यम से हमें बहुत सी जानकारियां मिली हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और हम आपके साथ तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपने देश के लिए चंद्रयान 2 के लिए एक जय हिंद का कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि भारत देश का गौरव बढ़ सके। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही रखिएगा, ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।